सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फुल एचडी फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और गाइज ये बिल्कुल 4 स्टेप का एडिटिंग होने वाला है, तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में कर लेगा। और 110% मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, अपनी ओरिजिनल फोटो को गैलरी से लेना होगा और लेने के बाद शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो गाइज जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे आप क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। और ओपन करते ही आपकी पूरी फोटो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगी और एडिटिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बता दे कि अगर आप इस वाली वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करते हैं तो आप बहुत ही शानदार फोटो एडिटिंग कर लेंगे और आपका भाई बहुत ही शानदार टिप्स भी बताने वाला है। तो सबसे पहले स्टेप में गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन दोस्तों कलर्स के आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपका भाई सेटिंग जो बता रहा है उसे आप केवल अप्लाई कीजिएगा। तो इसकी टेंप की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके यहाँ से हम लोग ना 24% कर लेंगे प्लस साइड में इसकी टेम्प की वैल्यू। देन दोस्तों इसकी टिंट की वैल्यू भी हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -20% कर लेंगे। देन दोस्तों इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी हम लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 26% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पर क्लिक करना होगा। और मिक्स टूल के आइकन पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने बहुत सारे यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ आपको घबराना नहीं है, आपका भाई जो भी स्टेप बता रहा है केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले पे रेड कलर सिलेक्ट मिलेगा आप लोगों को, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर देंगे। देन दोस्तों 24% कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा। और ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद ही हम लोगों का फेस वाला कलर होता है गाइस, तो ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करेंगे गाइस और डिक्रीज करके -32 कर देंगे। और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 16% कर देंगे प्लस साइड में। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा और करने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके -100% कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100% कर देंगे। ल्यूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -24% कर देंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद आपको यहां से ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे और ह्यू की भी वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -23% कर देंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद एक्वा ब्लू कलर को लेना होगा और इसको भी सैचुएशन को डिक्रीज करके 100% कर देंगे। ब्लू कलर को लेंगे, इसकी भी सैचुएशन को डिक्रीज करके 100% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद डन के आइकन पे क्लिक करना होगा और डन के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गई होगी। तो गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अपनी फोटो के अंदर टोन को ऐड करने वाले हैं। तो ये वाला स्टेप बहुत ही जरूरी होने वाला है आप लोगों के लिए, तो यहां पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो उसके लिए गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं ना, मिक्स टूल के बगल में एक ग्रेडिंग का आइकन है तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों यहां पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो यहां पे आपको शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, मिड टोन का मिल जाएगा, हाईलाइट और ग्लोबल। तो सबसे पहले हम लोग शैडो में आके और इसकी ह्यू और सैचुरेशन को हम लोग मिलाने वाले हैं। तो यही पे बहुत सारे लोग ना मिस कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो उसके लिए गाइज अपने फिंगर से इसे पकड़ के इसे हम लोग ऐसे ब्लू साइड में लेकर आएंगे, थोड़ा सा ब्लू साइड में। और इतना मैं लाने के बाद देख सकते हैं इसकी ह्यू की वैल्यू 235 रखा हूँ और सैचुएशन को 41%। देन दोस्तों ऐसे नीचे कीजिएगा और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -36% कर देंगे और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके ना यहाँ से 86% कर देंगे प्लस साइड में। देन दोस्तों इसकी वैलेंस को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -26 कर देंगे। देन दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करना होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा ना, यहाँ पे ग्लोबल वाले में आके अब इसकी भी ह्यू और सैचुएशन को हम लोग ऐसे थोड़ा सा ऑरेंज साइड में रख लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा।
और ऑरेंज साइड में रख लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू 39% रखा हूँ और सेचुएशन को 27, और सिंपल आप लोगों को डन के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। और डन के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आप लोगों का इतना काम तो हो चुका है, पहला स्टेप यहीं पर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में इसकी लाइट के आइकन पर जाएंगे और इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ से इंक्रीज करके 40% कर लेंगे और नीचे के इसकी ब्लेड्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -32 कर लेंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करके यहाँ से माइनस साइड में 34 कर लेंगे। और ये सेटिंग करते ही आपकी दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में अपनी फोटो को हम लोग फुल HD बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट के आइकन पे जाएंगे और जाने के बाद इसकी क्लियरिटी की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके 22% कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -16% कर देंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 8% कर लेंगे और इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -25 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी डिक्रीज करके 22% कर लेंगे। और ये सेटिंग करते ही आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट स्टेप में गाइज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फोटो के अंदर डिटेल्स को डाल सकते हैं, जिससे गाइज ये होगा कि हम किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी फोटो को अपलोड करेंगे तो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा। तो उसको करने के लिए गाइज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से 39% कर देंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 39% कर देंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 19% कर देंगे, कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके इसे भी 19% कर देंगे। देन दोस्तों अपनी फेस को स्मूथ करने के लिए इसे बढ़ा के आप 67% कर लीजिएगा, आप पूरा 100% भी कर सकते हैं, आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वाली फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा और गाइस ये फोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।